Now next C program, how to traversing all element of two-dimensional array. Two-dimensional array के किस में जस्ट डेटा और एलिमेंट किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स और लाइक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको याद हो मैंने डिस्कस किया था ड्यूरिंग स्टार बेस्ड पैटर्न के रिस्पेक्ट में, जब भी आपने कोई पैटर्न डिस्प्ले करा तो पैटर्न के केस में डेटा किस फॉर्म में डिस्प्ले होता है, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। अगर इस करंट पैटर्न के रिस्पेक्ट में बात करें तो करंट इस पैटर्न के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने फाउंड हो रहे हैं, देयर आर 4 रो। सेम एज इस पर्टिकुलर पैटर्न में कॉलम्स भी कितने, ऑल्सो 4 कॉलम्स। कॉलम्स भी कितने फाउंड हो रहे हैं, एग्जैक्टली 4 कॉलम्स। इस केस में जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब भी डेटा रो और कॉलम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी डेटा को रो और कॉलम्स के फॉर्म में राइट डाउन करना था, इस केस में जस्ट यूज क्या करेंगे, 2 लूप्स, इनर लूप एंड आउटर लूप। तो आउटर लूप जस्ट किसके लिए मैनेज करो, नंबर ऑफ रो के रिस्पेक्ट में। आउटर लूप किसके रिस्पेक्ट में मैनेज करेंगे, रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ रो। सेम एज इनर लूप मैनेज करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी पैटर्न के अंदर टोटल 4 रो है, देन उसके समय आउटर लूप का एग्जीक्यूशन कितनी बार परफॉर्म कराएंगे, 4 टाइम्स। सेम अगर 4 कॉलम्स हैं, देन उसके समय इनर लूप का भी एग्जीक्यूशन कितनी बार परफॉर्म होगा, 4 टाइम्स। सिमिलरली इन केस ऑफ टू डायमेंशनल एरे के अंदर भी डेटा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। रो और कॉलम्स के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन आप यूज क्या करो, 2 लूप्स और नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप मीन्स टोटल केस में 2 लूप्स मैनेज करें। सबसे पहले मैं गिवन डिक्लेरेशंस के अकॉर्डिंग डायग्राम रिप्रेजेंट करूँ, देन डायग्राम्स के रिस्पेक्ट में जस्ट राइट डाउन करेंगे रिक्वायर्ड सोर्स कोड। मीन्स करेंटली मैंने टू डी एरे डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया, टू डी एरे के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने, देर आर 3 रो 4 कॉलम्स। क्लियर, 3 रोज एंड 4 कॉलम। फर्स्ट केस में आसान क्या हुआ, 1 2, फर्स्ट रो के केस में कंटेंट्स क्या है, 1 2 3 4। सेकंड रो के केस में कंटेंट्स क्या है, 5 6 7 8। नेक्स्ट 9 10 11 12। देन इस केस में जस्ट एरे के रिस्पेक्ट में बात करें तो एरे का नेम क्या है, जस्ट ए। फर्स्ट एलिमेंट मीन्स रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में बात करें तो इस केस में रो का इंडेक्स क्या है, 0 थ्रो 1 एंड 2। सेम है कॉलम के केस में, कॉलम इंडेक्सेस क्या होंगे, 0 1 एंड 2 3। फाइनली इस टाइप के केस में जब भी आप डेटा को रो और कॉलम्स के फॉर्म में ट्रेवर्स करो, इस केस में जस्ट 2 लूप्स की रिक्वायरमेंट होगी, आउटर लूप और इनर लूप, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड लूप्स। अब क्वेश्चन है कि इस केस में किस लूप का एग्जीक्यूशन कितनी बार परफॉर्म करा, वो जस्ट आउटर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे, और आउटर लूप का एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगा हाउ मेनी रोज आर अवेलेबल इनसाइड गिवन एरे। सेम इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो, इनर लूप ऑलवेज मैनेज करें विद द रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल करंट एरे के केस में बात करें, करंट एरे के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, देर आर 3 रो। तो इसके इसमें लॉजिकली आउटर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करा हुआ, 4 3 टाइम्स। सेम है अगर कॉलम्स की बात करें तो टोटल कॉलम्स कितने हैं, देर आर 4 कॉलम्स। तो इसके इसमें इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 4 टाइम्स। क्लियर, दूसरा केस लूप का एग्जीक्यूशन किस प्लेस से स्टार्ट करें, फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स, दोनों ही केसेस में। क्लियर, इस केस में सबसे मीन लूप को विजिट करने के लिए, एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के लिए, अगर 2 लूप्स मैनेज करना तो इंडेक्स भी कितने मैनेज होंगे, इसके इसमें 2 इंडेक्स, रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स। तो रो इंडेक्स में जस्ट रिप्रेजेंट करूंगा भाई आई, एंड कॉलम इंडेक्स जस्ट रिप्रेजेंट करूंगा भाई जे। दूसरा केस इस करंट केस में जैसे फर्स्ट एग्जांपल, इस केस में जस्ट रो इंडेक्स को मैनेज करने के लिए वेरिएबल डिफाइन करूंगा आर, एंड कॉलम इंडेक्स को मैनेज करने के लिए वेरिएबल क्या है, जस्ट सी। सी मीन्स कॉलम। फाइनली सबसे पहले आपको कितने लूप्स मैनेज करने की जरूरत है, इस केस में 2 लूप्स, दिस इज द रो दिस इज द कॉलम्स। तो फर्स्ट टाइम जब आर का वैल्यू 0 होगा, मीन्स आर का वैल्यू 0 होने के केस में एवरी टाइम, मीन्स फर्स्ट टाइम आर की वैल्यू 0 के साथ कॉलम का वैल्यू क्या आएगा, 0। देन अगेन सेम 0 के साथ कॉलम का वैल्यू क्या आएगा, 1। नेक्स्ट टाइम 0 के साथ क्या भी होगा, 2। देन 0 के साथ क्या भी होगा, जस्ट 3। तो इस केस में आउटर लूप के केस में आर का इनिशियलाइजेशन किस, मीन्स आउटर लूप किसके लिए मैंने जोड़ा, रो के लिए। तो टोटल रो कितने डिफाइन, इस केस में 3 रोज प्लस फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स इज 0। तो आर के केस में जस्ट इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। सिंपल केस है, आउटर लूप रोज के लिए मैनेज करना, रो इंडेक्स में चेक कर सकते हो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या, 0। इसलिए आर का इनिशियलाइजेशन किस हो रहा है, 0 से। प्लस ये लूप कब तक चलाएंगे, जब तक आर का वैल्यू या तो 2 से छोटा या 2 के इक्वल है, मीन्स टोटल अगर कॉलम रो की बात करें तो रो कितने हैं, 3। इसके साथ लूप कब तक एग्जीक्यूट करें, जब तक आर का वैल्यू 3 से छोटा, मीन्स आर इज लेस देन 3। एवरी टाइम इंडेक्स में इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है, 1 से। इसलिए अप्लाई क्या करेंगे, आर प्लस प्लस। क्लियर, दिस इज द आउटर लूप। नेक्स्ट वन इनर लूप।
इनर लूप के रिस्पेक्ट में अगेन फिर से एक और लूप प्रोवाइड करें, लेकिन ये लूप किसके रिस्पेक्ट में मैनेज करें, कॉलम्स के रिस्पेक्ट में, और कॉलम्स के केस में फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स क्या है, जीरो, तो इस केस में सी को इनिशियलाइज किससे कराओगे, जीरो से। क्लियर। नेक्स्ट टाइम एवरी टाइम इंक्रीमेंट कितने से होगा, वन से। प्लस लूप कब तक चलाना, जब तक इसका वैल्यू फोर से छोटा है, जब तक कॉलम वैल्यू और सी का वैल्यू कैसा, लेस देन फोर, देन एवरी टाइम सी में भी इंक्रीमेंट कितने से होगा, वन से। प्रिंट एफ के थ्रू जस्ट डिस्प्ले करा लेंगे, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ गिवन एरे, एरे के केस में एरे का नेम क्या है, ए। देन रो इंडेक्स किसके थ्रू मैनेज हो रहा है, आर के थ्रू। कॉलम इंडेक्स किसके थ्रू मैनेज होगा, जस्ट सी के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट वन, जस्ट जब फर्स्ट टाइम इसे इनर लूप अपने आप में रिप्रेजेंट क्या करेगा, सिंगल रो। इसे जैसे ही इनर लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, इनर लूप जस्ट रिप्रेजेंट क्या करेगा, ऑल एलिमेंट ऑफ करेंट रो। क्लियर। करेंट रो के किसी भी रो के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हैं, फोर। तो इनर लूप का एवरी टाइम एग्जीक्यूशन कितनी बार परफॉर्म होगा, फर्स्ट टाइम, जैसे ही आर का वैल्यू। इस केस में चेक कर सकते हो नंबर ऑफ रो कितने थे, थ्री, इसलिए आउटर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, लॉजिकली थ्री टाइम्स। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, फोर, इसलिए इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फोर टाइम्स। फर्स्ट टाइम आर का वैल्यू क्या है, जीरो। जैसे ही आर का वैल्यू जीरो हुआ तो चेक कर सकते हो इस केस में इनर लूप एग्जीक्यूट होता है, इनर लूप में, इनर लूप का एग्जीक्यूशन कब तक चलेगा, इस सबसे पहले कॉलम सी का वैल्यू क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट टाइम सी का वैल्यू क्या होगा, वन। नेक्स्ट टाइम सी का वैल्यू क्या होगा, टू। नेक्स्ट टाइम सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट थ्री। देन नेक्स्ट टाइम आर के केस में आर का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीमेंट होने से वैल्यू वन। देन फिर से इनर लूप एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, इनर लूप के केस में अगेन सी का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो, वन, टू, थ्री। नेक्स्ट टाइम आर में इंक्रीमेंट होगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। अगेन फिर से इनर लूप एवरी टाइम जीरो से स्टार्ट होगा तो सी का फिर से इनिशियल वैल्यू क्या होगा, जीरो, वन, टू, थ्री। अगर इनके कॉम्बिनेशन को यूज किया जाए, कॉम्बिनेशन मीन्स क्या, R एंड C, अगर R को भी सभी कॉमिस C के सारे कॉम्बिनेशन के साथ अगर R को भी राइट डाउन करो तो R का वैल्यू क्या है, जीरो, 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 जीरो। देन C के केस में अगेन R का वैल्यू क्या है, वन, तो वन के साथ कॉम्बिनेशन क्या है, वन, जीरो, वन, 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 टू, वन, थ्री। R का वैल्यू टू है, देन कॉम्बिनेशन क्या है, टू, जीरो, टू, वन, टू, 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 थ्री। चेक कर सकते हो इस केस में जस्ट R और C के कॉम्बिनेशन के थ्रू एग्जैक्टली सेम इंडेक्स जनरेट हो रहा है, इसलिए मैंने यूज किया A ऑफ R ऑफ C। देन एवरी टाइम से डिस्प्ले किया सिंगल रो, फर्स्ट रो डिस्प्ले होने के बाद जस्ट मुझे लाइन चेंज करनी जरूरत है, इसलिए इनर लूप के जस्ट बॉडी पार्ट के बाद डिस्प्ले क्या कराओगे, मीन्स राइट डाउन क्या करोगे, प्रिंट एफ स्लैश एन, स्लैश एन को राइट डाउन करने का पर्पज क्या, जस्ट चेंजिंग द लाइन, चेक इट। इस केस में जब लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, जस्ट इसके लिए एग्जीक्यूशन परफॉर्म करें, जो भी आउटपुट आएगा आउटपुट में मॉनिटर के फॉर्म में डिस्प्ले कराऊंगा। देन इस केस में करेंटली टू एक्स्ट्रा वेरिएबल्स क्रिएट हुए, वेरिएबल्स क्या हैं, आर एंड सी, आर एंड सी, वेरिएबल आर एंड वेरिएबल सी। जैसे इस लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो आर के केस में आसान क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस आर इक्वल्स टू जीरो, सेकेंड केस में परफॉर्म क्या होगा, कंडीशन टेस्टिंग, आर का वैल्यू क्या, जीरो, जीरो लेस देन थ्री, कंडीशन इज ट्रू। क्लियर। देन कंडीशन ट्रू है इसलिए कंट्रोल करना है इनसाइड बॉडी ऑफ लूप, लूप के अंदर जस्ट थर्ड केस में परफॉर्म किया इनिशियलाइजेशन सी, तो सी मीन्स कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स भी कैसा हो रहा है, जीरो। तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, जीरो, जीरो। नेक्स्ट वन, इस केस में अगेन कंडीशन टेस्ट होगा, फोर्थ केस, फोर्थ केस में कंडीशन टेस्ट होगा तो सी के प्लेस पर सी का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, जीरो लेस देन फोर। आपको पता होना चाहिए एक बार अगर कंट्रोल लूप के अंदर एंटर हुए देन लूप का एग्जीक्यूशन कब तक होता है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। उसके इसमें इसे लूप कब तक एग्जीक्यूट हुआ, जब तक सी का वैल्यू फोर से छोटा है, जैसे सी का वैल्यू फोर या फोर से बड़ा हुआ देन इमीडिएटली कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट टाइम कंडीशन कैसा, ट्रू। बॉडी एग्जीक्यूट कराएं तो प्रिंट एफ के अंदर आर के प्लेस पर क्या पास करोगे, आर का वैल्यू जीरो, सी के प्लेस पर क्या पास करें, सी का वैल्यू जीरो। चेक कर सकते हो इसे रिप्रेजेंट किया ए ऑफ जीरो जीरो, और ए जीरो जीरो में करंटली वैल्यू क्या स्टोर है, मीन्स फर्स्ट जीरो मीन्स रो इंडेक्स, रो इंडेक्स मीन्स दैट वन, कॉलम इंडेक्स मीन्स दैट वन। इसके कॉम्बिनेशन से एलिमेंट क्या फाउंड हो रहा है, वन। इस केस में जस्ट प्रिंट एप के थ्रू क्या डिस्प्ले हो जाएगा, वैल्यू एस वन। क्लियर। नेक्स्ट टाइम स्पेस में इंडेक्स एक बार मेंशन कर देता हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मीन्स वन जीरो, वन वन, वन टू, वन थ्री। इस केस में इंडेक्स क्या है इसका, जस्ट टू जीरो, टू वन, टू टू, टू थ्री। क्लियर। नेक्स्ट टाइम कंट्रोल कहाँ से एंड होगा, अभी मीन्स एक बार कंट्रोल इनर लूप में एंड हो गया, इनर लूप से बाद तब तक नहीं जाएगा जब तक इनर लूप का कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। वन मोर केस, इस केस में फोर्थ का फिफ्थ केस में चांस किसको मिला, जस्ट बॉडी इन फिफ्थ केस। क्लियर, बॉडी। देन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस होगा तो सी के केस में
सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट वन। चेक कर सकते हो अभी आर का वैल्यू क्या है, जीरो, एंड सी का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या था, जीरो, नेक्स्ट टाइम सी का वैल्यू क्या हो चुका है, जस्ट वन। क्लियर? तो अगेन कंडीशन टेस्ट होगा सी के लिए, सी का वैल्यू क्या है, वन, वन लेस देन फोर, कंडीशन अगेन ट्रू, ट्रू है तो फिर से बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सिक्वेंस टेस्ट में इसको मैनेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारे सिक्वेंस लिखना है पॉसिबल नहीं हुआ, क्लियर, इसलिए सिक्वेंसेस को रिमूव कर रहे हैं। देन फाइनली इस केस में परफॉर्म कर रहा हूँ, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू अगेन प्रिंट एफ के अंदर डिस्प्ले किया हुआ ए ऑफ आर सी, तो ए ऑफ आर सी के केस में आर का वैल्यू क्या है, जीरो, सी का वैल्यू क्या है, वन, तो इससे कॉम्बिनेशन का जनरेट हुआ। मीन कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले करने जा रहा है, जीरो थ्रो के फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स, मीन जीरो थ्रो वन कॉलम, मीन्स दैट एलिमेंट इस प्लेस पर वन, मीन्स जीरो थ्रो में वन है, वन प्लेस पर क्या फंड हो रहा है, वैल्यू इज टू, तो नेक्स्ट टाइम से डिस्प्ले क्या हो जाएगा, वैल्यू इज टू, एवरी टाइम सेपरेट कैसे हो रहा है, स्पेस के थ्रू, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन सी प्लस, बॉडी के बाद कंट्रोल कर रहा है सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस होगा तो इस केस में सी का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, टू। चेक कर सकते हो जब सी का वैल्यू जीरो था, वन था, टू था, तभी भी आर का वैल्यू क्या रहा है, जीरो, देन नेक्स्ट टाइम सी का वैल्यू क्या है, टू। अगेन कंडीशन टेस्टिंग टू लेस देन फोर, ट्रू और फॉल्स, कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो फिर से डिस्प्ले क्या हुआ, ए ऑफ आर सी, आर का वैल्यू क्या है, जीरो, सी का वैल्यू क्या है, टू, तो इस केस में इंडेक्स क्या पास हो रहा है, जीरो टू, और जीरो एंड टू इंडेक्स मीन्स दैट प्लेस, जीरो थ्रो टू कॉलम, एलिमेंट क्या फाउंड हो रहा है स्पेस पर, थ्री। नेक्स्ट टाइम प्रिंट एफ से क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू एज थ्री। ये सभी तक आप विजिट क्या करो, फर्स्ट रो, नेक्स्ट टाइम सी प्लस प्लस, तो सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री। चेक कर सकते हो आर का वैल्यू अभी भी क्या है, जीरो, क्योंकि अभी भी आप जीरो रो को मैनेज कर रहे हो, मीन्स आर इटसेल्फ क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो इंडेक्स, और सी मीन्स इनर लूप, इनर लूप किसको मैनेज कर रहा है, जस्ट इनर इंडेक्स, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम, इस केस में वैल्यू क्या हो चुका है, जीरो, तो इस केस में कॉम्बिनेशन क्या है, जीरो जीरो, जीरो वन, जीरो का कॉम्बिनेशन जीरो के साथ भी पॉसिबल, वन के साथ, टू एंड सिमिलरली थ्री, क्लियर। तेन इस केस में अगेन नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा, जीरो, सी का वैल्यू क्या, थ्री, जीरो एंड थ्री, जीरो एंड थ्री इंडेक्स में क्या फाउंड रहा है, वैल्यू इज फोर, डिस्प्ले क्या हो जाएगा, फोर। नेक्स्ट टाइम सी प्लस प्लस होगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर, क्लियर। कंडीशन टेस्टिंग फोर लेस देन फोर, इस दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, कंडीशन बिकम फॉल्स, मीन्स इनर लूप के केस में कंडीशन फॉल्स हो चुका, लेकिन इनर लूप के बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, जस्ट आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, और लूप के बाद जस्ट फाउंड क्या हो रहा है, प्रिंट एफ स्लैश एन, तो स्लैश एन से कंट्रोल कहाँ जाएगा, ऑन द नेक्स्ट लाइन, क्लियर। मीन्स जब एक बार इस लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, इसका मतलब क्या है, मीन्स सिंगल रो प्रिंट हो चुका है, फर्स्ट एग्जीक्यूशन में डिस्प्ले क्या हुआ, फर्स्ट रो, सेकंड टाइम जब इसको चांस मिलेगा देन डिस्प्ले क्या हुआ, सेकंड रो, थर्ड टाइम चांस मिलेगा देन एग्जीक्यूशन किसका हुआ, थर्ड रो, क्लियर। फर्स्ट टाइम चेक कर सकते हो जब तक फर्स्ट रो ट्रेवल्स हुआ था, जे का सी का वैल्यू क्या रहा था, इसके इसमें जीरो वन टू थ्री, लेकिन आई का वैल्यू आर का वैल्यू फिक्स था ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट टाइम प्रिंट एफ के बाद स्लैश एन के बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, आर प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन, तो आर अब किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड रो और नेक्स्ट रो, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट रो के अंदर अगेन कॉलम इंडेक्स क्या है, जीरो, तो फिर से नेक्स्ट रो का कॉलम इंडेक्स क्या होना चाहिए, जीरो, देन इसके पहले कंडीशन टेस्ट होगा, आर का वैल्यू वन है, वन लेस देन थ्री, कंडीशन ट्रू, ट्रू है, देन फिर से कंट्रोल का इनसाइड इनर लूप, इनर लूप के अकॉर्डिंग सी के केस में अगेन क्या आसान हो जाएगा, नाउ वैल्यू ऑफ सी बिकम्स अगेन जीरो, सी का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन अभी आर का वैल्यू क्या है, जस्ट वन, तो वन के साथ भी चेक कर सकते हो सी के सारे कॉम्बिनेशन फिर से क्रिएट होंगे। मीन्स कंडीशन टेस्टिंग सी का वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो लेस देन फोर, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है, देन स्पेस पर आर का वैल्यू क्या पास करोगे, वन, और सी का वैल्यू क्या है, जीरो, वन जीरो, ए ऑफ वन जीरो में क्या स्टोर है, वैल्यू एज फाइव, तो नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा, फाइव, प्रीवियस प्रिंट ऐप से जस्ट लाइन चेंज हो चुका था, इसलिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रो के एलिमेंट सेकंड रो में डिस्प्ले होंगे। सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग सी का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, वन, मीन्स जीरो ऑलरेडी हो चुका नहीं, और करंट वैल्यू क्या है, वन। नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्टिंग वन लेस देन फोर, कंडीशन इज ट्रू, नेक्स्ट टाइम इससे आर का वैल्यू फिक्स्ड है, आर का वैल्यू क्या है, वन, लेकिन सी का भी वैल्यू क्या है, इस केस में ऑल्सो वन, वन 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 इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है, वैल्यू इज सिक्स, नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा, वैल्यू इज सिक्स। अगेन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस होगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, नेक्स्ट टाइम कौन सा कॉम्बिनेशन जनरेट हुआ, टू, देन अगेन टू लेस देन फोर, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है, देन फिर से क्या है, ए ऑफ आर सी, आर का वैल्यू वन है लेकिन सी का वैल्यू क्या है, टू, नेक्स्ट टाइम सी के प्लेस पर क्या रिप्लेस करें, वन टू, तो इंडेक्स क्या है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का वैल्यू क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम में क्या वैल्यू सेवन, मीन्स वन ऑफ टू, क्या फाउंड हो रहा है इस केस में, वन सेवन में, वन ऑफ टू में वैल्यू सेवन, तो नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले क्या हो जाएगा, एच सेवन। अगेन परफॉर्म होगा सी प्लस प्लस, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री, कंडीशन टेस्टिंग थ्री लेस देन फोर, कंडीशन अगेन ट्रू, ट्रू है, देन फिर से क्या आएगा, वन ऑफ थ्री, क्योंकि सी का वैल्यू क्या हो चुका है, थ्री, वन ऑफ थ्री में क्या फंड रहा है, रो इंडेक्स क्या है, वन, कॉलम इंडेक्स थ्री, वन ऑफ थ्री में क्या है, एट, तो नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट होगा, वैल्यू एज एट। अगेन सी प्लस प्लस होगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर,
इसके साथ थर्ड कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट हो चुका है, मीन जीरो के साथ सी के वैल्यू जीरो भी था, वन भी था, टू भी था, थ्री भी था, इस जीरो वन टू थ्री, क्योंकि इस जीरो के सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट होंगे सेम एज वन के साथ भी सेम इंडेक्स रिपीट हो रहे हैं, सेम एज टू के साथ भी सेम इंडेक्स रिपीट होंगे, क्लियर। नेक्स्ट टाइम सी का वैल्यू क्या हो चुका है, फोर, फोर के रिस्पेक्ट में जस्ट एक कंडीशन कैसा हुआ, कंडीशन बिकम फॉल्स, फॉल्स है देन कंट्रोल कहाँ जाएगा, आउटसाइड बॉडी ऑफ इनर लूप, अभी जस्ट इनर लूप का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हुआ है, इनर लूप के बाहर क्या है, जस्ट स्लैश एंड से कंट्रोल कहाँ जाएगा, बंदा नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन अगेन परफॉर्म किया आर प्लस प्लस, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, टू मीन्स अब ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, आउटर लूप, सेकंड रो को, मीन्स थर्ड रो इंडेक्स क्या है, टू, तो अगेन आर का वैल्यू क्या है, टू। फाइनली अगेन सी के रिस्पेक्ट में सी का फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगा, जीरो, सी का वैल्यू मीन्स सी के किस में फिर से इनिशलाइज होगा, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्लियर। सी के केस में जीरो केस में जीरो लेस देन फोर, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू, तो स्पेस फॉर जस्ट आर का वैल्यू क्या आएगा, टू, और सी का वैल्यू क्या है, जीरो, टू एंड जीरो इंडेक्स में क्या फंड हो रहा है, नाइन, डिस्प्ले क्या होगा, वैल्यू है नाइन। नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या होगा, सी प्लस प्लस, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट वन, चेक कर सकते हैं टू के साथ इंडेक्स जीरो भी आया, देन करंट वैल्यू क्या है, वन, मीन्स टू वन, टू वन में क्या फंड हो रहा है, वैल्यू इज टेन, डिस्प्ले क्या होगा, टेन। नेक्स्ट टाइम सी प्लस प्लस होगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट टू, देन क्या आएगा, कंडीशन ट्रू है अभी भी, क्योंकि सी का वैल्यू क्या है, टू, टू लेस देन फोर इज ट्रू, टू टू, टू टू में क्या फाउंड हो रहा है, अगेन इलेवन, डिस्प्ले क्या हो रहा है, इलेवन। सी प्लस प्लस होगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री, मीन्स टू इंडेक्स आई के और रो के टू इंडेक्स के साथ अगेन सेम रिपीट क्या हुआ, जीरो वन टू ऑलरेडी पर पहुंच चुका, देन थ्री, थ्री के केस में जस्ट क्या आएगा, टू एंड थ्री, एलिमेंट क्या है, टू एंड थ्री के केस में 12, डिस्प्ले क्या है 12, देन सी प्लस प्लस होगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन फोर, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, बिकॉज फोर लेस देन फोर, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है देन कंट्रोल का सेंड होगा आउटसाइड लूप, आउटसाइड लूप के केस में जस्ट स्लैश एन से लाइन चेंज होगा, कंट्रोल का होगा नेक्स्ट लाइन में, देन परफॉर्म क्या होगा आर प्लस प्लस, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री, अब चेक करो आर का वैल्यू थ्री है, कंडीशन टेस्ट होगा, प्रीवियस केस में आर का वैल्यू क्या था, टू, जस्ट मैंने कंपेरिजन राइटिंग थ्री, थ्री लेस देन थ्री, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स एंड कंट्रोल का बार, कंट्रोल बार आने से पहले इस एरे के सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो चुके हैं। फाइनली आपको इस केस में कंक्लूजन क्या रखना है, जब भी आप 2D एरे के एलिमेंट्स को लूपिंग के थ्रू विजिट करोगे तो लूप्स के रिस्पेक्ट में जस्ट आप फाउंड करोगे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मीन्स इस केस में टू लूप्स मैनेज करेंगे, आउटर लूप और इनर लूप, आउटर लूप का एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रोज पर एंड इनर लूप का एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स, प्लस सभी लूप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, ऑलवेज जीरो, इनिशियलाइजेशन किस प्लेस स्टार्ट करें, जीरो, क्योंकि रो के केस में भी बिगिनिंग इंडेक्स क्या है, जीरो, कॉलम्स के केस में बिगिनिंग इंडेक्स क्या है, जीरो, मीन्स इस टाइप से गिवन लूप्स के फॉर्म में आपके लिए रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा एक्सेस करना पॉसिबल। वन मोर थिंग्स, नेक्स्ट टाइम मैं जितने भी एग्जांपल डिस्कस करूंगा आउटर लूप को इटरेट करूंगा वेरिएबल आई के थ्रू और इनर लूप को इटरेट करेंगे वेरिएबल जे के थ्रू इन प्लेस ऑफ आर एंड सी, क्लियर।